Hello everyone, today we'll talk about the qualitative characteristics of accounting. Hopefully you are aware of these terms: reliability, relevance, understandability and the compatibility. These all are the qualitative characteristics of accounting. Lekin entrance point of view se agar baat kare aapse, BHU entrance point of view se, to humse ye nahi, humse ye puch raha hai, gaye bagaye, what are the primary qualitative characteristics of accounting? Or what are the principal qualitative characteristics of accounting? Sir, हम तो चारों जानते थे, लेकिन अगर हमसे पूछा प्राइमरी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, काम नहीं बनने वाला। या हम तो जान रहे हैं इसको, कंपैरिजन को हम जानते हैं, कंपैटिबिलिटी जानते हैं, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन पूछा हुआ है और इंटर फर्म कंपैरिजन, तो सर दिक्कत है। तो हम चलिए इनको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, तुम जाते हो मॉल, मॉल से कुछ सामान खरीद, जैसे 2 किलो दाल खरीद के लेके आते हो, घर पे आता हो, मम्मी को बताते हो मम्मी दाल 60 रुपये किलो मिली, मम्मी कहते नहीं हमें भरोसा नहीं है। ऐसा क्या करोगे कि मम्मी मान जाए कि नहीं सच में तुमको मॉल से दाल 60 रुपये किलो मिली? तो जब तुमने मॉल से दाल परचेज की थी तो तुमको वहाँ से मिला था बिल, तो अगर वो बिल अपनी मदर को दिखा दोगे तो तुम्हारी मदर क्या करेंगे, मान जाएंगी, है ना, कि जो तुम कह रहे हो सच कह रहे हो, क्योंकि बिल पे उतना अमाउंट मेंशन है जितना तुमने मदर को अपनी बताया हुआ है। तो तुम्हारा स्टेटमेंट कैसे वेरीफाई हो गया या रिलायबल हो गया? सर बिकॉज ऑफ दैट बिल जो तुमने अपनी मदर को प्रेजेंट किया। सेम इज द केस, सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी इन केस ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होती है? रिलायबल होती है। क्यों रिलायबल होती है? बिकॉज ऑल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बिंग सपोर्टेड और बैक्ड आउट बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जितनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थी वो कैसे सपोर्ट होती हैं? बिल से, वाउचर से, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। हम तो यहाँ तक कह देंगे कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं अवेलेबल होता है, हम उनको बुक से अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते नहीं हैं। बोगी बिल्स आते हैं, लेकिन हम अभी तो कहेंगे कि हम उसको रिकॉर्ड कर सकते नहीं हैं। तो रिलायबिलिटी क्या है? दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसी है ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके, रिलायबिलिटी मीन्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर रिलायबल because they are being supported by the documentary evidence that consists of bills and the vouchers. Next, relevance. Relevance means, sir, those informations are shown in books of account which are relevant. Relevant means useful to the users of accounting information. Useful to the users. हम accounting में हम नहीं, अकाउंटिंग में वही इंफॉर्मेशन शो की जाती है जो कि अकाउंटिंग यूजर्स, हु आर द अकाउंटिंग यूजर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज कौन करता है? ओनर करता है, मैनेजमेंट करता है, एम्प्लॉय कर सकता है, कस्टमर, क्रेडिटर, सोसाइटी, कोई भी कर सकता है, इवन गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो अकाउंटिंग में ऐसी इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है जो क्या होती हैं, जो कि सर अकाउंटिंग यूजर्स के लिए मीनिंगफुल हो या उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकें, इफेक्ट कर सकें, capable of influencing the decision of the users. वो सारी information क्या है? relevance है, और accounting ऐसी information को show किया जाता है। Next is what? Understandability. Sir, accounting इतने simplified तरीके से होनी चाहिए कि it can be easily understandable to the users of accounting information. Even it can be easily understand by the individuals who is having limited knowledge or no knowledge of accounting. इतने सिंप्लीफाइड तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है या जाना चाहिए, ताकि सर जो भी यूजर से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड, देख के अंडरस्टैंड कर सके। दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडेबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज व्हाट? कंपैटिबिलिटी। हम कंपैटिबिलिटी क्या करते हैं? हम कंपैटिबिलिटी में एक फर्म का कंपैरिजन करते हैं, सर एक फर्म का कंपैरिजन करते हैं किससे? दूसरी फर्म से। मतलब एक फर्म के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन दूसरी फर्म से, या एक ही फर्म है हम उसका एक ईयर का कंपैरिजन करते हैं किससे? दूसरे साल से उसके फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। दिस इज व्हाट? कंपैटिबिलिटी। इन कंपैटिबल अकाउंटिंग फैसिलिटेट द कंपैटिबिलिटी ऑफ वन फर्म विद अनदर फर्म एंगेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस और द सेम फर्म ऑफ टू डिफरेंट ईयर, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैन इजीली बी कंपेरेबल, है ना। These all are what? These all are the qualitative characteristics of accounting. अब अगर हमसे पूछता है what are the primary qualitative characteristics, आपको याद रखना है RR, reliability and the relevance.
आरआर से मुझे याद रहेगा, और आप याद करो आरआर से, दैट रिलायबिलिटी एंड द रिलेवेंस आर द टू प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ये दो प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंट्रेंस से पूछा हुआ है. ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग, तो आप बताओगे रिलायबिलिटी एंड द रिलेवेंस. नेक्स्ट, अब कंपैटिबिलिटी तो हम जानते हैं, लेकिन ये कैसा कंपैरिजन, हमने एक फर्म का कंपैरिजन किससे किया, दूसरी फर्म से किया. व्हेन यू डू द कंपैरिजन ऑफ वन फर्म विद अनदर फर्म, दिस इज नोन एज इंटर फर्म कंपैरिजन. एंड व्हेन यू डू द कंपैरिजन ऑफ सेम फर्म विद इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट ईयर्स, ठीक है, सच काइंड ऑफ कंपैरिजन इंट्रा फर्म कंपैरिजन. आप इसको याद रखिएगा, जब हम एक फर्म का कंपैरिजन किससे करते हैं, दूसरी फर्म से करते हैं, तो उस तरह का कंपैरिजन क्या कहलाता है, इंटर फर्म कंपैरिजन. जब हम एक ही फर्म के दो अलग अलग टाइम पीरियड का कंपैरिजन आपस में करते हैं, तो इस तरह के कंपैरिजन को क्या कहते हैं, सच काइंड ऑफ कंपैरिजन नोन एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन. और ये दोनों इंटर फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन में बीच इंटर फर्म से पूछे गए हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है. अब अकाउंटिंग की दोनों वीडियो देखने के बाद, जो मैंने कल और आज में अपलोड की हुई है, वो दोनों वीडियो देखने के बाद, अब तक की सर यू मस्ट बी इन अ पोजिशन टू रिप्लाई ऑल दिस क्वेश्चन. ठीक है, हु वॉज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग के फादर कौन थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी और किस ईयर में लिखी थी, वो कहाँ रहते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, ठीक है, रिकॉर्डिंग कहाँ पे की जाती है, मैंने आपसे डिस्कस किया है, क्लासिफाइंग कहाँ पे की जाती है, समराइजिंग कहाँ पे की जाती है, सर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग पीएल से क्या पता चलता है और बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस ये है क्या, किस किस स्टेज पे आते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग की सब फील्ड्स क्या क्या हैं, उनकी ब्रांचेस क्या क्या हैं और उन ब्रांचेस के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या क्या हैं, अभी मैंने आपसे डिस्कस की इसी वीडियो में, ठीक है, उसके साथ साथ सर लिमिटेशन के साथ साथ अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, सर प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है. सर अब तक की वीडियो देखने के बाद आप सब इन सारे के सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करने में कैपेबल हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ. अगर नहीं हो तो फिर से वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और इन सारे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो सही, ठीक है. मेरे सारे वीडियो, अब तक के वीडियो में आपको ये सारे आंसर ईजिली मिल जाएंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सारे क्वेश्चन अब तक BHU BCom इंट्रेंस में पूछे गए हैं, आए हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम इनका सही आंसर करोगे. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर पेशेंसली लिसनिंग टू मी. थैंक यू.